हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी शानू। तो बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक DIY हेयर ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे 3-4 DIY हेयर ऑयल शेयर किए हैं एंड उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है उन ऑयल्स को यूज करके, तो इसीलिए फिर से मैं एक DIY हेयर ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड इस बार मैं अनियन हेयर ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये जो अनियन हेयर ऑयल है, इसको आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे एंड इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा को मिलेगा। अगर आप अपने बालों को तेजी से ग्रो करना चाहते हो या फिर अगर आप हेयर फॉल से परेशान हो और आप हेयर फॉल कंट्रोल करना चाहते हो, आपके बाल निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, आप हेयर फॉल रोकना चाहते हो, तो इन सारे प्रॉब्लम्स में ये ऑयल आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। तो चलो देखते हैं इस ऑयल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है एंड इसको मैं अपने घर में कैसे प्रिपेयर करती हूँ। तो सबसे पहले इस ऑयल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा अनियन, आपको लाल वाला प्याज ही लेना है। आप कोशिश करोगे कि लाल वाला प्याज ही आप पिक करो। इन सबको आप अच्छे से छील के वॉश करके इनको सुखा लो, पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके आप इसको ग्राइंड कर लो, इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लो। इसके बाद इन छोटे छोटे क्यूब्स को आप ग्राइंडर जार में डालो एंड इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, पानी इसमें नहीं डालना है आपको, आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालकर इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लो। तो कुछ इस तरह से पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा अनियन का। तो आप अपने हिसाब से 4-5 प्याज ले सकते हो, जितना आपको ऑयल प्रिपेयर करना है उस हिसाब से। तो इसके बाद आपको लेना है एक बर्तन जिसमें आप इस ऑयल को प्रिपेयर करोगे। तो इस बर्तन को लेकर आप चूल्हे पे चढ़ा दो, गैस ऑन कर दो और गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए ताकि हमारा जो ऑयल है वो जले नहीं और अच्छे से ये प्रिपेयर भी हो जाए। और जो बर्तन आप ले रहे हो, कोशिश करो कि उसका मोटा चदरा हो, मोटे चदरे वाला बर्तन ही आप लो। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस ऑयल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। साथ ही हमें चाहिए होगी कलौंजी, आपके घर में अवेलेबल होगी कलौंजी, ब्लैक अनियन सीड्स भी इसको कहते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए मेथी के दाने। तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, मेथी के दाने और कलौंजी। अगर आपके पास अवेलेबल है तब आप इसको यूज कर सकते हो एंड अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अनियन को ही यूज करो। एंड कोकोनट ऑयल हमें चाहिए होगा, पैराशूट का कोकोनट ऑयल मैं यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। तो इसके बाद आप कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर दो एंड बाकी जो मेथी के दाने, कलौंजी, इन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दो एंड बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको आप पकने के लिए छोड़ दो। इसको आप हर 10 मिनट पे आकर अच्छे से मिक्स कर लो, अच्छे से इसको चला लो ताकि ये कढ़ाई में चिपक ना जाए। कढ़ाई में चिपकने से ये जल सकता है, तो इसीलिए आप इसको हर 10 मिनट पे आके चेक कर लो, इसको अच्छे से मिक्स कर लो। एंड इस ऑयल को आपको अच्छे से लगभग 40 मिनट तक आपको लो फ्लेम पर बहुत ही बारीकी से इसको पकाना है। लो फ्लेम पर आप इसको चढ़ा के छोड़ दो एंड 40 मिनट तक आप इसको पकने के लिए छोड़ दो। बहुत ही धीमी धीमी आंच पे ये अच्छे से पकते रहेगा। अनियन में बहुत ही रिच क्वांटिटी में सल्फर पाया जाता है जो कि हेयर के ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है, मतलब हेयर जो होते हैं हमारे बीच से टूट जाते हैं। आप देखोगे कि हमारा जो बाल टूटता है वो जड़ से कम और बीच से ज़्यादा टूटता है, तो इसीलिए इस हेयर ब्रेकेज को ये प्रिवेंट करता है। अगर आपके बालों में एंड्स में स्प्लिट एंड्स आ गए हैं, दो मुँह बाल हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा दो मुँह बाल हो जाते हैं, तो ये उसको भी प्रिवेंट करेगा। एंड आपके हेयर्स किसी कारण से पतले होते जा रहे हैं, बहुत ही थिन होते जा रहे हैं, तो इन सबको ये प्रिवेंट करेगा। ये जो सल्फर अनियन में पाया जाता है इन सबको प्रिवेंट करेगा। और इसके साथ ही अनियन में जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके हेयर में रेगुलर पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आपका जो हेयर है वो प्रीमैच्योर ग्रेइंग से प्रिवेंट होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी जो बाल पक जाता है ना उसको भी ये रोकता है। तो आप देखोगे कि 30 से 35 मिनट के बाद अनियन का जो कलर है वो अपने आप ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन हो गया है मतलब कि हमारा जो ऑयल है वो लगभग रेडी हो गया है। तो जब ये कलर ब्राउन हो जाएगा तो इसको 5 से 10 मिनट तक और हम पकाएंगे एंड इसके बाद इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। जब आपको लगे कि ऑयल प्रिपेयर हो गया है, कलर इसका ब्राउन हो गया है, तो आप गैस को ऑफ कर दो एंड इसके बाद आप इसको ठंडे होने के लिए छोड़ दो। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। उसके बाद आप इसको किसी भी अलग बर्तन में निकाल लो एंड इसके बाद इसको छान लेंगे। इस ऑयल को आप किसी भी जार में कंटेन करके रख सकते हो। तो मेरे पास ये जो बॉटल है, आप मेरे पहले की वीडियो में भी देखोगे, मैं जो भी DIY ऑयल प्रिपेयर करती हूँ इसी में रखती हूँ। तो इससे पहले वाला ऑयल मेरा लगभग ख़त्म हो गया था, तो इसमें ये नया DIY हेयर ऑयल मैं रखने वाली हूँ। तो इसको आप एक टी स्ट्रेनर की हेल्प से भी छान सकते हो।
अनियन जो होता है वो आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका थिकर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर ग्रोथ होता है। हेयर ग्रोथ तो होगा ही, इसके साथ ही आपके हेयर घने भी होते जाएंगे एंड स्ट्रॉन्ग भी होते जाएंगे। तो रेगुलर यूज अगर आप इस अनियन ऑयल का करोगे तो आपको इफेक्टिवली हेयर ग्रोथ होगा। या अगर आपके पास कोई भी पतला कपड़ा है तो बहुत ही आसानी से ये अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगा। आप कपड़े में इस सारे ऑयल के मिक्सचर को डालोगे एंड उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लोगे तो ऑयल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहीं पे हमारा ऑयल प्रिपेयर हो जाता है, अब हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही इसमें जो मैंने मेथी और ब्लैक अनियन सीड्स मिलाए हैं, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं आपके हेयर के लिए, हेयर को स्ट्रांग बनाने में, हेयर को हेल्दी एंड शाइनी बनाने में, ये दोनों भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसको 2 से 3 वीक तक आप रेगुलर यूज करोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप दिखने लग जाएगा। एंड अगर हेयर ग्रोथ की बात करें तो हेयर ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होता है, आप इसको लगभग 1 से 2 महीने तक यूज करके देखो। आप कोशिश करो कि वीक में 2 से 3 दिन आप इस ऑयल को यूज करो अपने स्कैल्प पे, अपने बालों में अच्छे से मसाज करते हुए। तो गाइज वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा नुस्खा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।